हाँ जी स्टूडेंट्स, तुहाडा एक बार फिर स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लिट्स लर्न विद गुरपाल सर दे उपर। जिवें कि तुसीं जानदे हो कि सी टैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुके है, तो इस बार सी टैट की जिहड़ी एलिजिबिलिटी है इस दे विच काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सो फार्म भरने तो पहला इस वीडियो को पूरा जरूर देख लियो ताकि तुसीं गलत फॉर्म फिल करके अपने समा ते पैसा खराब ना करो। सो सही फॉर्म फिल करने के लिए, सही एलिजिबिलिटी चैक करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। एन सी टी ई के अनुसार जी सी टैट की एलिजिबिलिटी उस काफ़ी बदलाव जी इस बार किए गए हैं। सो उस बारे आप पूरी जानकारी तो इस वीडियो देवे। वीडियो में लाइक शेयर के चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन क्याल नोटिफिकेशन के उपर क्लिक कर लेना ता कि आने वाली सारिया एजुकेशनल वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। अपने चैनल के उपर तुहाडे नाल आपां जिहड़ी एजुकेशनल वीडियोज़ है सी टैट की तैयारी है वह बिल्कुल मुफ्त में करवावे। जो सी टैट का पंजाबी वाला पोर्शन है उसकी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करवावे, तो इस दे नाल ही एस एस टी के पेपर की तैयारी, पेपर टू की तैयारी भी बिल्कुल मुफ्त में इस चैनल के उपर आप करवावे। सो वीडियो में वो लाइक शेयर के चैनल सबसक्राइब कर देना ता कि तुहाडे तक हर अपडेट समय से पहुँचती रहे, हर एजुकेशनल वीडियो तुहानू मिलती रहे। सो करते हैं जी वीडियो में शुरू तो दसदे हैं तुहानू कि एन सी टी ई के अनुसार सी टैट की एलिजिबिलिटी के बदलाव जोड़े वो किए गए हैं। फॉर्म फिल करने तो पहला वीडियो पूरा जरूर देख लियो, शेयर कर दियो। करते हैं जी वीडियो शुरू। हाँ जी स्टूडेंट्स, जेकर एलिजिबिलिटी की गल करिए सब तो पहला गल आप करांगे पेपर वन की। पेपर एक ते पेपर दो पेपर होंगे जी, इस जिहड़ा पेपर वन होंगे स्टूडेंट्स वो जो है पंजवीं क्लास तक टीच करन दे लई हुंदा है, जिस दे विच प्राइमरी दे जिहड़े टीचर्स ने जिहड़ा उस दे विच इसनू कंसीडर है जिहड़ा वो कीता जांदा है। सो इस दे लई जो स्टडी होनी चाहिए है वह होनी चाहिए है जी तुहाडी प्लस टू है जिहड़ी वो 50% दे नाल होनी चाहिए है। उस दे नाल उस तो बाद प्लस टू तो बाद तुहाडा जिहड़ा वो डी एल एड है जिहड़ा वो पास होना चाहिए, जां फिर तुहाडा पहले सेमेस्टर दे विच अपीयरिंग है जिहड़ी वो होनी चाहिए है, तुहाडी एडमिशन हो जानी चाहिए है। उस तो बाद जेकर आपां गल करिए नैक्सट दी तां वो है जी तुहाडी प्लस टू होनी चाहिए है, जां फिर इस दे नाल बी एल एड होनी चाहिए है, तुहाडी पास होवो जां फिर अपीयरिंग होवो। फस्ट सेमेस्टर में जेकर तुहाडी एडमिशन हो चुकी है भावें हजे पेपर भी नहीं होए तां भी तुसीं पेपर वन भरन दे लई एलिजिबल होवोंगे। नैक्सट जी अपनी गलबात आ जाती है वह आ जाती है प्लस टू के 50% डी एड की होनी चाहिए है। उस तो बाद स्पैशल एजुकेशन के जेकर की है तो भी तुसीं एलिजिबल होवोंगे, भावें तुसीं अपीयरिंग हो भावें तुसीं पास आउट हो चुके हो, तो ये चीज़ शामिल है। इस तो बाद नैक्सट है जिहड़ा वो है जी 45%। हाँ जी 45% वाले है जिहड़े जिन्हां दी प्लस टू दे विचों 45% है डी एल एड की हुई है, तो एन सी टी ई दे अनुसार जिहड़ा है वो तुसीं एलिजिबल होवोंगे। हाँ जी एन सी टी ई दे अनुसार तुसीं एलिजिबल होवोंगे अपने जो पेपर है उसके अनुसार, क्योंकि 2022 दी गाइडलाइनस दे विच इह चीज़ शामिल कर दिती गई है कि जेकर तुहाडी डी एल एड की हुई है तो तुहाडे प्लस टू के 45% नंबर है तो तुसीं पेपर वन भर सकते हो। अते जेकर आपां गल करिए पेपर कदों होवेगा तो 21 जनवरी 2024 नूं इसका पेपर होवेगा। ऑफलाइन पेपर होगा क्योंकि पहला ऑनलाइन पेपर हुंदा सी, इस बार हुण चेंज कर दिता गया ऑफिशियली कि पेपर जिहड़ा ऑफलाइन ही लिया जाएगा। इस तो बाद जेकर आपां गल करिए नैक्सट पेपर टू दी, तां पेपर टू जिहड़ा है वो ग्रेजुएशन जेकर तुसीं कीती है, ग्रेजुएशन कीती हुई है 50% दे नाल ते उस तो बाद डी एल एड की हुई है, भावें तुसीं अपीयरिंग हो डी एल एड दे फस्ट सेमेस्टर विच पेपर भावें हाले नहीं होए तां भी तुसीं एलिजिबल होंगे। ते इत्थे तुहानूं एक जानकारी दे दईए कि पेपर वन जिहड़ा है वो सिर्फ बी एड वाले नहीं भर सकते। हाँ जी तुहानू दस दईए कि पेपर वन है जिहड़ा हुण उह बी एड वाले नहीं भर सकते, उस दे विच डी एल एड है बी एल एड है जां ई टी टी वाले है जिहड़े उही इत्थे जिहड़ा अपना काम कर सकते हैं पेपर वन दे विच अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बी एड वालियां नूं इत्थे कंसीडर नहीं किया जाएगा। जदों तुसीं ऑनलाइन फॉर्म फिल करन जाओगे पेपर वन सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करन दी कोशिश करोगे तो कोर्सां दे विच ना तां तुहानूं बी एड किते देखण नूं मिलेगी ते ना ही बी एड दे जिहड़े कॉलेज है जिहड़े बी एड करवाउंदे है वो देखण नूं मिलणगे लिस्ट दे विच। सो नैक्सट जिहड़ी
ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 50% ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਐੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ 50% ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਐੱਲ ਐੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 2 ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਏ ਬੀ ਐੱਡ ਜਾਂ ਬੀ ਐੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਐੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਡ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਬੀ ਏ ਬੀ ਐੱਡ ਔਰ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਐੱਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੱਸ 2 'ਚੋਂ 50% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 50% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਹੈ ਪਲੱਸ ਬੀ ਐੱਡ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 45% ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਐੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 45% ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਪੇਪਰ 2 ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਟੈਟ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 55% ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਐੱਡ ਐੱਮ ਐੱਡ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਡ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 55% ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 2 ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ 1 ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਐੱਡ ਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਬੀ ਐੱਡ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐੱਲ ਐੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਐੱਲ ਐੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 50% ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਆਪਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।